जरा राय दें, क्योंकि स्टॉक 6.5% नीचे खुल रहा है सर। देखिए वैसे तो वैल्यू तो दिखती है स्टॉक में, ऐसा कुछ भी नहीं है। RIIL और जयकॉर्प और ये सारे नवी मुंबई वाली चीज, बट ओवरऑल मैंने स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं किया है, क्योंकि मुझे समाओ जहां पे वैल्यू और जहां पे एसेट्स ड्रिवन जो वो रहती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है लॉन्ग टर्म में उसमें फायदा मिलता है, बट नंबर्स और कैश फ्लोज और ये सब को देखते तो कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता वेरी फ्रेंकली, सो दैट इज द रीजन। बट यस कंपनी अच्छा खासा प्राइस वाइज भी मतलब परफॉर्म की है, मतलब आप देखिए 300 के नीचे के लेवल्स ऑलमोस्ट 400 के लेवल्स पे आई और बाईबैक की प्राइस के आसपास ही है, हो सकता है उसको देखकर थोड़ा नीचे आया हो, बट ओवरऑल जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे हैं और जिनके पास है वो टेंडर भी जरूर करें। बाईबैक में टेंडर करने में कोई बुराई नहीं, अभी बाईबैक का सीजन चल रहा है, पोस्ट बजट हम देख रहे हैं एक के बाद एक सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, तो 438 का भी स्टॉक ने हाइज बनाया हुआ है, तो उसके आसपास 400 रुपए के लेवल्स पे एक बार जरूर से बाईबैक में टेंडर कर ले, बट ओवरऑल मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके जरूर रखे। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं दूसरे और कई स्टॉक्स हैं जैसे कि महिंद्रा लाइफ सिमिलर टाइप की स्टोरी, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जैकॉब, जहां पर रखेंगे नजर, बाय बाय लेकर आ रहा है।